तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त की, तो आपको बता दें कि शाम के अब बज चुके हैं 4:06 बजे तक मतदान जारी है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदान लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे चरण में 9 जिलों में वोटिंग हो रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें कि जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए मतदान लगातार जारी है। तो 9 जिलों में मतदान हो रहा है। रोहतक, अंबाला, चरखी दादरी में मतदान जारी है। 9 जिलों में अब तक करीब 56% वोटिंग की जा चुकी है। तो अब तक करीब 27 लाख लोगों ने मतदान किया है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, वोट फीसदी में कुरुक्षेत्र सबसे आगे चल रहा है। तो कुरुक्षेत्र की जो जनता है वो सबसे पहले वोट डाल रही है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अब 4 बज चुके हैं शाम के, आपको बताने की लगभग 2 घंटे का समय शेष रह गया है। ऐसे में अभी आप वोट नहीं कास्ट कर पाए तो तुरंत घर से निकले और वोट अपना जरूर दें। तो आपको बता रहे हैं कि लगभग 55% के आसपास मतदान दर्ज किया जा चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है और सुबह 7 बजे से ही लगातार जनता टीवी पर पल पल की अपडेट आप लोग देख रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, 9 जिलों में मतदान लगातार जारी है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी जानकारी सब आपको अपडेट करा रहे हैं। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि शाम 6 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। हर बूथ पर पुलिस की मुस्तैदी भी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पहले से ही खास इंतजाम यहाँ पर किए हुए थे। तो आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, बड़ी जानकारी से हम आपको अवगत करा रहे हैं, जहां पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। 4 बज चुके हैं, 2 घंटे का समय अभी शेष रह गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें सामने आ गई है, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, जहां पर 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भाई एक मिनट रुकिए, तो ये 3 तस्वीरें और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बुजुर्गों ने भी वोट डाला है, उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर पहले से की हुई थी। वोटर्स में काफी उत्साह है, ये 2री तस्वीर बता रही है। सुबह से ही वोटर्स वोट कर रहे हैं और 3री तस्वीर सुरक्षा को लेकर है, पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। ऐसे में भारी पुलिस फोर्स की हर बूथ पर तैनाती है। पहली बार मतदान करके बहुत खुशी हो रही है। मैं अपना मतदान पूरे उत्साह के साथ अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में करके आया हूँ। बहुत उत्साह मेरे को अपने मतदान करने का। काफी रश है और अच्छा लग रहा है हमें आके यहाँ पे, क्योंकि हम अपने उम्मीदवार को और जो देश की सेवा करे उसको चुन सके अपने मतदान के जरिए। मेरी पहली वोटिंग थी, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये वोटिंग दे के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें और देश के लिए अपना कदम बढ़ाएं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी पहली वोटिंग थी और मैं चाहती हूँ कि जिसे मुझे मैंने अपनी वोटिंग दिया है वो जीते। ये जो ना लोकतंत्र है, इसमें वोट डालना सबका अधिकार है और बहुत ज़रूरी है वोट डालना। मैं हर एक आदमी से अपील करता हूँ कि अपनी वोट जो ना जरूर डालें। ऐसा है, जब गांव में जो ना सरपंच का या ब्लॉक समिति का या चेयरमैन जिला परिषद का इलेक्शन होता है तो ये गांव से लिंक होते हैं। ये जो जना गांव में काम कराते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में कि नीचे से जो ना काम शुरू हो। पहली बार मैंने अपना वोट डाला है, जिसमें लोकतंत्र को अपना सपोर्ट करने के लिए हमें अपने देश का विकास के लिए अपना वोट डालना चाहिए, घर पर ही रखना चाहिए, इससे कोई नहीं होता। हमें वोट का ज़रूरी है, इससे ही हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि घर पर रहने से कुछ नहीं हो सकता। भैया जैसे साफ़ सफाई हमारे यहाँ पे, पानी की सुविधा और पार्क वगैरह, इनके सभी को देखते हुए मैंने वोट डाला। और जो सही मायने में अपने क्षेत्र का विकास करा पाए वो उम्मीदवार हमने चुनना है आज। और मैं सभी जनता से अपील करूंगा कि आज ब्लॉक समिति और जिला परिषद का मतदान जो होने जा रहा है उसके लिए अधिक से अधिक वोट करें, अपने मताधिकार का सही प्रयोग करके एक अच्छा उम्मीदवार चुने जो अपने क्षेत्र का सही विकास कर सके। हमें काफ़ी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ के मतदान में भाग ले रहे हैं। ये मेन विकास का है, बेरोजगारी मुद्दा है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है जैसा, और उसके अलावा अपने क्षेत्र की सड़कें हैं, कुछ सड़कें जो जिला परिषद के प्रत्याशी जो है वो करा सकते हैं वो काम ब्लॉक समिति में, कि गांव में कुछ मुद्दे चौपाले हैं, नाले हैं, वो ब्लॉक समिति कार्यकर्ता करा सकते हैं। तो उन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग। फिलहाल जिस तरीके से आप सुन रहे थे, जहां पर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला है, सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है। ऐसे में शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। अब तक लगभग 56% मतदान दर्ज हो चुका है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर है। तो
आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि वोटिंग सही तरीके से हो रही है, ऐसे में कोई भी व्यवस्था खराब होती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। इंद्री में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए मतदान हो रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मतदान केंद्रों पर पहुंची हुई हैं। लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। ये खास रिपोर्ट आप हमारी देखिए, हमारे संवाददाता विजय कंबोज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये खास रिपोर्ट बनाई है। पंचायती राज के चुनाव का आज मतदान हो रहा है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति का आज मतदान है और 12 तारीख को सरपंच और पंचों का चुनाव होगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर महिलाएं भारी संख्या में मौजूद हैं, मतदान करने के लिए घरों से निकल चुकी हैं महिलाएं, और सबसे ज़्यादा संख्या में ऐसा लगता है कि महिलाएं अब की बार मतदान करने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि ये है जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये अति संवेदनशील बूथ इसको घोषित किया गया है, क्योंकि कभी यहाँ कोई घटना हुई होगी तो उसी को लेकर के अति संवेदनशील इसको घोषित किया गया है। पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई भी किसी भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोपहर का समय है, हालांकि लगभग 30% अब तक मतदान हो चुका है। और हमारे साथ राजेश चहल जी मौजूद हैं जो इसी गाँव के निवासी हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि पूरे जो हल्के में है किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार का मतदान हो रहा है। जी सर नमस्कार। भाई साहब, मैं सबसे पहले तो अपने प्रेस भाइयों वाले भाइयों का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने हमारे गांव की एक कवरेज की है। जैसा कि सरकार ने या प्रशासन ने हमारे गांव को अति संवेदनशील में डाला हुआ है, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण लोग हैं, शांतिप्रिय लोग हैं और शांतिपूर्ण ही मतदान होता है। 15-20 साल पहले कभी एक घटना हुई थी जिसकी वजह से प्रशासन ने हमें अति संवेदनशील में डाला, वो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और सुबह से बहुत बढ़िया मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है और लगभग 30% मतदान हो चुका है। तो मैं गांव वासियों से भी अपील करूंगा, भी बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से एक एक मत को 100% मतदान होना चाहिए और इसमें योगदान दें। किन मुद्दों को लेकर के लोग आपकी बार मतदान? देखिए, मुद्दे तो एक ही होते हैं, भी काम होना चाहिए। भाई हमारा साफ़ सफाई का गांव में, साफ़ सफाई, शिक्षा, चिकित्सा, ये यही काम होते हैं लोगों के। और कोई निजी तो कोई मुद्दे हैं नहीं। तो वही जैसे गांव में सीवरेज या पानी का, पीने के पानी का, इसका प्रबंध ठीक ठाक से चलता रहे। गांव में जो रास्ते हैं वो जो ख़राब हैं, जिनके हालात ज़्यादा ख़राब हैं वो पहले, और जो ख़राब हैं उनको भी बनाया जाए। हम जो जितने भी ये प्रत्याशी खड़े हैं, सभी लोगों ने इनको जो भी जो निवेदन किया है, भी जो भी बने हमारे जो छोटे मोटे मुद्दे हैं इनको उससे ले और इनका समाधान करें। तो पूरे इंद्री हल्के में जो है मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। अब तक तो कोई अप्रिय घटना का पता नहीं लगा कोई। और मुझे उम्मीद है हमारा जो सारा ही एरिया है, इंद्री जो ब्लॉक है, ये बहुत शांतिप्रिय लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, ना उम्मीद है भी कोई ऐसी अप्रिय घटना होगी। जी बिल्कुल, देखिए भाईचारे का और जो विकास के मुद्दों को लेकर के यह चुनाव लड़ा जा रहा है, जो भी यहाँ से प्रतिनिधि बने वो विकास की तरफ अवश्य ध्यान दें। लोग जो है काफी संख्या में मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और भी साथी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी किन मुद्दों को लेकर के आज वोट डालने आए? विकास के मुद्दे के ऊपर होती है जी सारी बात। जी जो विकास करेगा उसी के ऊपर, आजकल पब्लिक सारी पढ़ी लिखी है, सारा कुछ समझती है। कोई को सोचा ना मैं बेवकूफ बना लूंगा, वो उसकी अपनी वह मन की जी। लेकिन हर आदमी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, विकास के मुद्दे पर बात करती है। ग्राम पंचायत का हो, ब्लॉक का हो, कहीं का भी हो, सारी सिस्टम विकास के ऊपर है जी। जी बिल्कुल सही बात है कि विकास को लेकर के ही यह चुनाव है और भाईचारे का चुनाव होता है, क्योंकि यह छोटे चुनाव होते हैं, चाहे वो सरपंची है, पंची है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद। छोटे चुनाव में कहीं ना कहीं भाईचारा कायम रखना चाहिए। और हमारी भी सभी से अपील है कि अपने घरों से निकल करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मतदान अवश्य करें। जनता टीवी के लिए इंद्री से विजय कंबोज।
तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहाँ पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विजय कंबोज पहुंचे हुए थे और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, इस खास रिपोर्ट में देखा गया है जहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान तो हो ही रहा है और लोगों में अभी बढ़ चढ़कर उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस बार विकास के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों में परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 56% से ज्यादा वोटिंग रेवाड़ी में हो चुकी है, रोहतक में 49 हो चुकी है। आपको बता दें कि जिले में मतदान लगातार जारी है, 9 जिले हैं जिनमें वोटिंग की जा रही है और ऐसे में लोगों में बढ़ चढ़कर उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही वोटिंग परसेंट काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। मंडी डबवाली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता गुरविंदर पन्नू की एक खास रिपोर्ट। डबवाली में जिला परिषद सदस्य व ब्लॉक समिति सदस्यों को लेकर सुबह से मतदान की प्रक्रिया जारी है, जहाँ पर लोग बहुत खुशी के साथ और कतारों में लगकर वोट पोल कर रहे हैं। इस वक्त मैं डवाली के खुया मलकाना में हूं, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच में यहां पर लोग लाइनों में लगकर सुबह से ही अपना जो वोट है वो पोल कर रहे हैं। चूंकि डवाली में इस बार 15 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जिसमें एक डीएसपी और एक एसडीएम साहब खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं। कुल मिलाकर 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए, जिनके साथ अतिरिक्त में पुलिस जो बल है उसको तैनात किया गया है। और कुल मिलाकर डवाली उपमंडल की बात करें तो यहाँ पर 156 ऐसे बूथ स्थापित किए गए हैं और 500 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर लगाए गए हैं, क्योंकि जिला परिषद सदस्य और ब्लॉक समिति सदस्य के चुनाव आज सुबह से जारी हैं। और जैसा कि छोटी इकाई की सरकार के करीब इस बार 6.5 सालों के बाद लोगों को चुनाव में जो मतदान करने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं वो स्थानीय मुद्दे जरूर लोगों के जहन में हैं। उन मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर लोग यहाँ पर सुबह से जो अपना वोट पोल कर रहे हैं। और डवाली में कुल 38 ऐसे सेंसिटिव बूथ बनाए गए हैं और 39 ऐसे हाइपर सेंसिटिव है, जिनके ऊपर 4-4 अलग पुलिसकर्मी हैं वो अतिरिक्त में वहां पर लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत शांतिप्रिय तरीके के साथ यहां पर जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है और सुबह से लगातार जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग पार्टियां हैं वो लोगों को बिना किसी डर भय के यहाँ पर वोट पोल करने के लिए उत्साहित कर रहे। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से, चाहे महिलाओं की, बुजुर्ग महिलाओं की बात की जाए तो बहुत लोग खुशी के साथ और एक इंतजार के बाद जो लोगों को वोट पोल करने का मौका मिला है, तो उसमें लोग अपनी जो वोट के जरिए आहुति डाल रहे हैं। और अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, वोटर्स हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट पोल कर रहे हैं। सर, आपने जो अपना वोट पोल किया है किन मुद्दों को ध्यान में रखा? देखो सर, ऐसा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा जो आज मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उनको मद्देनजर रखते हुए हमने ये वोट पोल किया। अब की बार क्या सर स्थानीय जो ऐसी समस्याएं हैं जिनको आपने जहन में रखा? देखो ऐसा है कि जब पंचायत चुनाव, छोटी सरकार का जो चुनाव है बहुत डिले होकर हुआ है, उसके बावजूद क्या है कि गांव के अंदर जो दो साल का लगभग जो अंतराल रहा, उस दो साल के अंतराल के अंदर जो गांव के अंदर अव्यवस्थाएं फैली, चाहे वो गलियों की नालियों की व्यवस्था हो, चाहे मान लो गांव के किसी भी विकास कार्य की बात हो, उसके अंदर इतना बड़ा मान लो पट्टाक्षेप हुआ जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है भाई साहब, आपने भी वोट पोल किया है, किन मुद्दों को लेकर ध्यान में रखकर? ये चुनाव बहुत ही लंबे इंतजार के बाद हुआ है, तो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ हमें विकास की बड़ी जरूरत है, तो हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार का यहाँ चुनाव हो जिससे कि हमारे विकास कार्य को गति मिले। सर आपने वोट पोल किया, क्या मुद्दा है आपका वोट? सर हमने ये वोट पोल किया है कि हमारे गांव में नशा बहुत है, उसको दूर किया जाए। दूसरा, नालियों का बहुत समस्या है हमारे गांव में, गंदा पानी बहुत है और स्कूल की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि स्टाफ कम है हमारे स्कूल में, उसकी भी समस्या हल की जाए। हम तो वोट इसलिए पोल किया, और 6.5 साल के बाद हमको मौका मिला वोट डालने के लिए, हम तो ये समस्या हल करवाने के लिए वोट डाला है और हम चाहते हैं कि ये हमारी समस्या हल की जाए। सबसे ज्यादा तो नशे की समस्या है, जो नशा दूर किया जाए गांव से। ठीक है भाई साहब, आप भी यंग हैं, आपने वोट पोल किया, क्या मुद्दा आपने सोचा? सर मेरा तो यही कहना है, जो जिला परिषद के इलेक्शन हुए ना, जैसे जिला में जितने भी गांव आते हैं, डबवाली हलके में जितने भी गांव आते हैं, सबसे मेन बात है नशा मुक्ति का, नशा मुक्ति होना जरूरी है। और जो मेरे गांव में है ना विकास, चलो कुछ हो चुका है, कुछ होना है, स्कूल में स्टाफ की कमी है और बच्चे स्कूल में नशा करते हैं और नशा करके स्कूल में आते हैं, इस पे कंट्रोल करा जाए और मेरे गांव वाले भी कंट्रोल कर, और टीचर का नहीं होता, टीचर ही करें सब कुछ। और मेरे गांव में विकास की जरूरत है, जो निकासी है ना पानी की, निकासी के लिए जगह नहीं है। आपने वोट पोल किया, क्या ध्यान में रखकर किस मुद्दे को लेकर?
सर हमने वोट पूर किया है, हमने गली की सफाइयों के लिए, नशा मुक्ति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, इन सब के लिए मतलब के। ठीक है, कितनी खुशी हो रही है क्योंकि बहुत समय बाद आपने वोट पूर्ण किया है, करीब 6.5 साल बीत गए। सर हम बहुत खुशी हो रही है कि हमने चलो वोट को, हाँ जी, गांव के विकास के लिए कार्य किया है। ठीक है, हाँ जी मैम, आपने जो वोट पूर्ण किया है इस मुद्दे को ध्यान में रखकर किया है? यही जनता की भलाई के लिए, गलियां सुधारना, गांव में से नशे को, हाँ जी, नशे के खिलाफ। तो बहुत समय बाद आपको वोट पोल करने का मौका मिला, कितनी खुशी हुई? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, हाँ जी, पिंड का विकास हो इन्हें नाल से बहुत खुश है, हाँ जी। तो ये लोग हमारे साथ जो वोटर्स थे वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिनके मुद्दे यहाँ पर बहुत स्थानीय मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर जो लोग अपना वोट पोल कर रहे हैं, क्योंकि पहले से लोगों को बेसब्री के साथ इन चुनावों का इंतजार था, क्योंकि करीब दो साल का डिले सरकार की तरफ से इसमें कोर्ट की चुनौतियों के चलते जो रहा। और अब लोगों के जो सफाई को लेकर बात की जाए, नालियों के विकास को, गलियों के विकास को लेकर, और खास करके जो लोगों का सबसे बड़ा जो इस बार वोट पोल करने का जो मोटिव है जो सामने आ रहा है, नशे का मुद्दा जो सबसे बड़ा जो एक लोग इसको शामिल कर रहे हैं वोट पोल के वक्त, कि कहीं ना कहीं सरकार को नशे के ऊपर अंकुश लगाने के लिए छोटी इकाई की सरकार जैसे ही यहां पर बनेगी तो ये जो मुद्दे हैं इनको हल करने की जो यहां पर कोशिश है वो जरूर की जाए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, घरौंडा में मतदाताओं में काफी उत्साह है। संवाददाता सुशील कौशिक की रिपोर्ट आप देखें। ब्लॉक समिति के लिए आज चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गया, जिस प्रकार से आज सुबह 7 बजे से ही मतदान किया जा रहा है, भारी संख्या में जो मतदाता है वो विभिन्न बूथों पर जाकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हम इस समय गांव पुंडरी में खड़े हैं, जो ग्रोंडा गढ़ का एक गांव है, वहां पर हम मतदाताओं से बात करेंगे किस प्रकार से वोट पड़ते हैं, किस प्रकार से आज एक छोटी सरकार का निर्णय मतदाता कर देंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इस समय हम पुंडरी गांव में है, कुछ मतदाता मौजूद हैं या बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि विकास कार्यों को लेकर वो किस प्रकार से अपने प्रत्याशी को वोट देंगे। जी, क्या नाम आपका? जी बताएं, आज मतदान का दिन है, छोटी सरकार आज चुने जा रही है, किस प्रकार से देखते हैं और क्या सोचकर आप मतदाता जो है वो वोट देने जा रहे हैं? मैं तो यही कहता हूँ जी सारे गाँव वासियों को, अपने मत का प्रयोग अपने मत के अनुसार करें और वोट उसी को दें जो कि विकास आपके गांव का करा सके और सरकार के साथ मिलकर चल सके। और ये त्यौहार है, इलेक्शन जो होते हैं त्यौहार होते हैं और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाया जाता है, तो सारे ग्रामवासियों से निवेदन है कि भाई आप मिलजुल कर इस त्यौहार में भाग लें और एक एक मत का प्रयोग करें, अपने घर ना बैठें और प्यार से और सम्मान पूर्वक इस इलेक्शन को लड़ें और भाईचारे से लड़ें। तो पंचायत के चुनाव जिस प्रकार से 2 साल लेट है, कितना फर्क पड़ा है आपकी बार पंचायत के चुनाव में? ऐसा है जी, फर्क तो काफी पड़ा है क्योंकि 2 साल जो विकास गांव का होना था वो विकास रुक गया है और अब जो ये अब आया है समय इसका सदुपयोग करके और विकास को गति देनी है ताकि और तेजी से ग्राम का विकास किया जा सके। जिस प्रकार से कोरोना को लेकर 2 साल चुनाव जो है वो लेट हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं गांव के जो विकास है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक रुकने की स्थिति में रहे। गुरुग्राम में भी मतदान को लेकर माहौल कैसा है बता रहे हमारे संवाददाता आकाश खुराना। के 9 जिलों के साथ साथ आज गुरुग्राम में भी जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के रिठौज गांव में, जहां पर आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो वोटर हैं आज अपने मत का जो है यहां पर प्रयोग करेंगे और जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव के लिए आज जो है यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। तो कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि किन मुद्दों को देखते हुए आज आप वोट डाल रहे हैं। विकास को लेकर वोट डाला जा रहा है वैसे, और यहाँ पिछले 7 साल से जैसे वोटिंग नहीं हुई थी तो अब यहाँ सारे काम ठप पड़े हुए थे, पंचायतों के भी और जिला परिषद का सारा काम अभी तक ठप था, विकास कार्य भी ठप थे, तो अब उम्मीद है कि लोगों को विकास कार्य होंगे, इसी के नाम पे वोट डाला जा रहा है और सबकी पसंद है। देखो किसको किसका क्या चेयरमैन बनेगा कौन बनेगा ये तो आगे की बात है, बाकी अब वोटर के ऊपर बात है तो अब खूब अच्छे से मतदान हो रहा है, बढ़िया और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है।
कितने लंबे अंतराल बाद जो है चुनाव हो रहे हैं, 19 महीने बाद, तो किस तरह देखते हैं? काफ़ी समस्याएं गांव में थी अब। हाँ, जैसे जल भराव है, पानी की समस्याएं हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सीवर लाइन को तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, और भी बहुत सारे काम होने चाहिए यहाँ, लेकिन काम अभी हुए नहीं है। तो इसलिए विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। देखो आगे क्या होता है, उम्मीद तो विकास की है, देखना ये है कि सरकार कितना क्या करती है। छोटी सरकार के लिए अभी क्या उम्मीदें हैं, ये तो देखने वाली बात पड़ेगी। आज अपनी वोट की चोट के जरिए जो है छोटी सरकार को चुनने का जो है कोशिश कर रहे हैं आप लोग, तो कितनी किस तरह देखते हैं? अभी देखो मतदान तो यहाँ 70-80% हो जाएगा आराम से। वैसे तो लोग बाग खूब मतदान के प्रति जागरूक है यहाँ, और विकास देखना पड़ेगा विकास कितना होना है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।